हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और आज फिर मैं आपको माता रानी की ड्रेस का एक न्यू डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कुछ इस प्रकार दिखती है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 18.5 इंच और चौड़ाई 6 इंच ली है। लंबाई 18.5 इंच और चौड़ाई 6 इंच ली है। उसके बाद में मैंने ये दो तरह की लेस ली है, एक ये है और एक ये है। तो इन सब मटेरियल को मिलाते हुए हम माता रानी की, राधा रानी की, किसी भी देवी को आप पहना सकते हैं, ये पोशाक बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मैंने एक ये मेन फैब्रिक लिया है और एक ये अस्तर के लिए लिया है। दोनों की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है। हम पहले इन दोनों को अटैच कर लेंगे, उसके बाद में ये लेस लगाएंगे। पहले मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि लेस कैसे लगानी है। तो देखिए, मैंने ये तैयार कर लिया है इस तरह से, अस्तर और कपड़ा दोनों ज्वाइंट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से इस तरह से। इसमें यहाँ पर मैंने नीचे एक पैर की सिलाई लगाई है। अब मैं ये लेस लेती हूँ। हमें ये जो मैंने बारीक लेस ली है, लहरवा लेस है, देखिए इस तरह से इसको यहाँ नीचे किनारे पर लगानी है। इस तरह से पूरे में इसको लगा देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है। उसके बाद में ये जो लेस है, इसको इसके ऊपर अटैच करते हुए इस तरह से दोनों को इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। फिर एक लाइन और इसी की लेंगे, फिर दूसरी लाइन फिर से इसी लेस की लेंगे। इस तरह से हमें 4 लाइनें बनानी है इसमें पूरे लहंगे पर। चलिए तो इतना काम कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये लेस लगा दी है। अब हम इसमें फ्रिल डालकर, ऐसे प्लेट्स डालकर इसको तैयार करेंगे। बहुत पास पास प्लेट्स डालनी है और उतनी डालनी है जितनी हमारी माता जी की कमर है। इस तरह से पास पास प्लेट्स डाल लेंगे और फिर इसको ऐसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मेरा ये लहंगा तैयार है, बड़ा प्यारा लग रहा है। अब हम चोली बनाना सीखते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 3 इंच है। लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 3 इंच है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और एक बार ऐसे करेंगे। अब यहां पर हम अपने मुड्ढे का निशान लगाएंगे। लगभग 1.25 इंच और ऊपर से 0.5 इंच लंबाई इसकी लेंगे, 1.25 इंच और चौड़ाई लेंगे 0.5 इंच। और यहां से इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे, तिरछा मिलाकर इसको कट कर देंगे। अब यहाँ गले का निशान लगाएंगे, गले में बहुत छोटा सा वी शेप देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से ये मैंने शेप दे दी है। अब हम इसके चारों साइड सिलाई लगा देंगे। इसको यहाँ लगानी है, यहाँ गले में लगानी है और यहाँ पर लगानी है। इस तरह से इसको बंद करके फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लहंगा चोली मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। इसके साथ में मैंने ये दुपट्टा बनाया है। ये दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने इसी तरह की लेस का यूज़ इसमें किया है, जिस तरह की लेस मैंने लहंगे में यूज़ किया था। और फ्रेंड्स, आप भी इसको ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें। और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।